अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फिशिंग विद सोनू भट्टी चैनल। खुशामदीद कहते हैं आप सबको। इस वक्त हम मौजूद हैं हरजीना फिशिंग पॉइंट पे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर एक नई लॉन्च लाई गई है जिसमें कुछ खसूसियात हैं, वो आप दोस्तों को दिखाना ज़रूरी था। और यहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इसलिए आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। और हम जल्दी में निकले थे तो माइक भी ले जाना भूल गए। तो मज़ीद आप इस वीडियो में नाकुआ से भी मिलेंगे और मज़ीद इस लॉन्च का एक शॉर्ट सा हम रिव्यू भी करेंगे, और जिस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा वो भी आपको दिखाएंगे। और मज़ीद आप इस वीडियो को एंजॉय करें और नाकुआ से रब्ता करें बुकिंग के लिए। और लॉन्च माशाल्लाह बहुत बड़ी है, वीडियो में आप देख रहे हैं, जब आप खुद आके इसे देखेंगे तो मज़ीद आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ है कि इसमें वॉशरूम की सहूलत दी गई है, तो लिहाजा जो पार्टीज आती हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना होता है इस चीज़ के लिए, जिन्हें नमाज़ पढ़नी होती है, बावजू रहना होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी फैमिलीज़ वगैरह भी पिकनिक पे आती हैं तो उन्हें इस चीज़ से बड़ी मुश्किल होती थी। तो इंशाल्लाह आप इस लॉन्च में जाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आगे मज़ीद हम नाकुआ से शॉर्ट सा इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाकुआ साहब। नाकुआ भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। जी सर, मैंने ये लॉन्च खरीदी है पार्टियों के लिए। तीसरा इसमें ये कि चारा माल के देंगे सुंदर, और अपना खाना बना के देंगे, बिरयानी वगैरह बना के देंगे, राशन वगैरह पार्टी वगैरह खुद ले जाएंगे अपना। अच्छा, इस लॉन्च में ये सबसे मुख्तलिफ मैंने अभी देखी है कि इसमें वॉशरूम लगा हुआ है, तो लगाने की क्या ज़रूरत थी आप? इसमें ये कि किसी टाइम फैमिली भी आ सकती है, किसी टाइम कोई नमाजी बंदा भी आ सकता है, उसके लिए सहूलत रखी है। ज़बरदस्त साहब, आप हमें थोड़ा सा हम बिल्कुल नाकुआ की जो बैठने की जगह है वो भी है, बहुत बड़ी सी, डबल इंजन है, दो पंखे लगे हुए, और ये माशाल्लाह से फुल वाशरूम की सर्विस से इन्होंने पहली दफ़ा मुतारिफ़ करवाई है। बिल्कुल ज़बरदस्त सिस्टम यहाँ पे है, ऊपर छत भी है, फैमिली के लिहाज से अगर आप आएँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और नाकुआ हमें ये बताएं कि इसमें दो इंजन क्यों लगवाएं आपने? दो इंजन इसलिए लगाए हैं कि कहीं रास्ते में एक इंजन जवाब दे सकता है, दूसरा स्टार्ट करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ज़बरदस्त, मतलब इसमें हम बैठ के किसी भी जगह पे कहीं भी जा सकते हो, जा सकते हैं। ज़बरदस्त। और इनसे रابطे के लिए बात करेंगे कि अब्दुल खालिक भाई, अगर कोई आपसे बुकिंग लेना चाहे तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? 03-02-22-03-03-07-80-7804। एक दफ़ा फिर से रिपीट करिएगा अब्दुल खालिक भाई। 03-02-03-07-804। ठीक है, और बुकिंग का क्या तरीके कार है, कितने दिन पहले आप बुकिंग लेते हो और बुकिंग करते हो? 5 दिन 6 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है। और बुकिंग का क्या तरीके कार है, आपको कॉल करके क्या एडवांस बुकिंग करवाते हैं या आप एट अ टाइम पे बुकिंग करते हो? जान पहचान वाली पार्टी है तो बगैर एडवांस के भी चल जाती है, नवी पार्टी है तो फिर वो एडवांस भेज देती है, ताकि एंड टाइम पर धोखा नहीं दे हम लोग को। सही है, हम लोग भी यहाँ पर खर्चा करके बैठ जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नाकुआ। और माशाल्लाह से देखें अभी इस पर ये पार्टी भी सब नए लगे हुए, तो इसके ऊपर अभी मज़ीद काम होना बाकी है, छापरे का है वो इंशाल्लाह जब तक हम आएंगे, हमारी क्योंकि बुकिंग है तो उसमें हर सर्विस हमें मिलेगी। ये एक और इंजन लगा हुआ है, स्पेयर में लगा हुआ है, और ये इंजन वर्किंग में है माशाल्लाह से, सब केयर सिस्टम इसके अंदर। ये अब हम आएँगे हमारे सीनियर मेम्बर और शिकारी भाई। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएँ और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल रशीद है, ये मेरे दोस्त आवड़ा है जनाब मोहतरम खालिद साहब को। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो सहूलत दी है इन्होंने, देखे जवाब नहीं है कि फैमिली साहब और दूसरे लोग करें हमारे खालिद साहब से, इंशाल्लाह आपको हर तरीके की सहूलत मुयसर होगी। ज़बरदस्त, कहते हैं कि भाई चारा भी देंगे, जिंदा खाना भी बना के देंगे आपको, यानी हर किस्म की सहूलत विद फैमिली की तरह, जैसे भाई फैमिली में होता है कि भाई आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, लेकिन होगा आपका बिल्कुल खाना आपको ही पड़ेगा क्योंकि पार्टी अपने हाँ, साथ सामान लाती है। और ये आप ये देखें छापरा माशाल्लाह फुल, यानी कि उनका सिस्टम है, बरसात हो तूफान आए तो कोई डर नहीं होता है, कुछ भी हो यानी कि उसके लिए बहुत अच्छा जो है इन्होंने सिस्टम किया है। ये खालिद भाई की काविश है और मेहनत है कि ये इतना बड़ा ओड़ा लेकर आए, इस तट पर ऐसा ओड़ा कोई भी नहीं। ये दिखाते हैं आपको हम कितनी हाइट पर
मौजूद हैं और नीचे जो घोड़े खड़े हुए हैं आपको उनसे अंदाज़ा हो चुका होगा कि काफ़ी माशाल्लाह बड़ी हाइट है घोड़े की। ये नीचे घोड़े हैं और हम इतना ऊपर हैं ज़मीन से, माशाल्लाह बहुत बड़ा है। और भाई के पास वापसी चलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर देखा होगा और इस चैनल पे काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, कुछ मसरूफियात की वजह से, टाइम ना मिलने की वजह से काफ़ी बार मैं होकर भी आया हूँ शिकार से मगर वीडियो नहीं डाल सका। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिशिंग विद सोनू भट्टी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।